हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम कुछ इस टाइप के येलो इफेक्ट फोटो एडिटिंग है जो लाइट रूम ऐप में सिखाने वाले हैं। गाइज, ये एडिटिंग मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से सिखाने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक कम्प्लीटली देखना है। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। सो गाइज, आपको सबसे पहले लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेना है और यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके अपनी फोटो को ऐड कर लेना है। गाइज, हम इस फोटो को एडिट करने वाले हैं तो इस पर सिंपली क्लिक कर लेते हैं एंड इसको ऐड कर लेते हैं। फिर हमें सिंपली यहाँ पे ऑल फोटो पे क्लिक कर लेना है एंड अपनी फोटो को ओपन कर लेना है। सो गाइज, सबसे पहले हमें करना है लाइटिंग को एडजस्ट। तो हमें जाना है लाइट वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे एक्सपोजर का इसको हमें हल्का से यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो सिंपली इसको हम यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं। गाइज, कंट्रास्ट है इसको भी हल्का सा हमें इंक्रीज करना है, सिंपली हम इसको भी इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, हाईलाइट है इसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। एंड गाइज, इसके बाद शैडोज है इसको हमें हल्का सा डाउन करना है। एंड गाइज, फिर वाइट इसको हल्का से इसको भी इंक्रीज करना है। एंड गाइज, ब्लैक्स है इसको भी हमें हल्का सा इंक्रीज करना है। तो सिंपली इसको हम यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं, हमारी लाइटिंग एडजस्ट हो चुकी है। तो सिंपली हम अपनी फोटो के अंदर कलर ग्रेडिंग कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, यहाँ पे मिक्स वाले टूल पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, यहाँ पे सेकंड वाला कलर यहाँ पे ऑरेंज पे हमें आ जाना है। एंड सैचुरेशन को हमें डाउन करना है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे हम इसको इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, ल्यूमिनेंस इसको हमें इंक्रीज करना है, तो सिंपली इसको हम यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, इसके बाद हमें नेक्स्ट वाला कलर येलो कलर पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, ह्यू है इसको हमें डाउन करना है, ठीक है, फुल -100 हमें कर लेना है। एंड गाइज, सैचुरेशन है इसको हमें फुल 100 कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद में ल्यूमिनेंस है तो ल्यूमिनेंस को हल्का सा हमें डाउन करना है, सिंपली इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर नेक्स्ट वाले कलर हमें यहाँ पे ग्रीन कलर पे आ जाना है। एंड ह्यू को हमें डाउन करना है, -100 हमें कर लेना है। एंड गाइज, सैचुरेशन है इसको हमें फुल 100 कर लेना है। एंड गाइज, ल्यूमिनेंस है इसको हमें हल्का से इंक्रीज करना है, तो सिंपली इसको हम यहाँ पे इतना कर लेते हैं। एंड गाइज, फिर हमें सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। गाइज, फिर यहाँ पे टिन है तो टिन को हमें हल्का से डाउन करना है, सिंपली यहाँ पे इसको हम इतना डाउन कर लेते हैं। एंड गाइज, विब्रेंस है इसको हमें इंक्रीज करना है, तो विब्रेंस को हम यहाँ पे हल्का सा इंक्रीज कर लेते हैं। एंड गाइज, इसके बाद हमें यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड यहाँ पे डिटेल से गाइज, इसको हमें हल्का से इंक्रीज करना है। एंड क्लैरिटी गाइज, इसको भी हमें हल्का से इंक्रीज करना है। एंड गाइज, विग्नेट है इसको हमें हल्का से डाउन करना है, तो सिंपली इसको हम यहाँ पे इतना कर लेते हैं। एंड यहाँ पे डिटेल्स के ऑप्शन पे हमें आ जाना है, अपनी फोटो को हम स्मूथ बना लेते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, शार्पनिंग है इसको हमें हल्का से इंक्रीज करना है। एंड डिटेल्स को हमें फुल कर लेना है। इसके बाद में गाइज हमें आना है, इसके बाद में गाइज आता है नॉइस रिडक्शन, इसको हल्का सा हमें इंक्रीज करना है। एंड डिटेल्स को हमें फुल करना है। एंड कलर नॉइस रिडक्शन गाइज, इसको भी हल्का सा हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। एंड डिटेल्स को एंड स्मूथनेस को दोनों को फुल कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद में सिंपली यहाँ पे बैक आ जाना है। एंड आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, गाइज मेरी एडिटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है। अभी हमें स्नैपचैट ऐप के अंदर शेयर करना है, वहाँ पे कलर ग्रेडिंग करनी है एंड PNG ऐड करना है। तो सिंपली हमें यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे शेयर टू पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे स्नैपचैट ऐप के अंदर हमें सिंपली इसको शेयर कर लेना है, ठीक है। एंड गाइज, यहाँ पे पेंसिल वाले आइकन पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे कलर पैनल को हमें ऐड करना है इसके अंदर, तो सिंपली डबल एक्सपोजर पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, फिर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके कलर पैनल को ऐड कर लेना है। एंड गाइज, ये येलो वाला कलर पैनल इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड गाइज, यहाँ पे हमें क्लिक करना है एंड इसको हमें ओवरलिक कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे सिंपली डन कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद हमें इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड व्यू एडिट्स पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, फिर एक डबल एक्सपोजर पे हमें क्लिक करना है एंड ब्रश पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, अब हमें यहाँ पे इन्वर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड अपनी स्किन के ऊपर हमें सिंपली यहाँ पे रफ करना है। तो मैं जल्दी से इसको रफ कर लेता हूँ। एंड गाइज, इसके बाद में सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज, फिर हमें यहाँ पे बैग आ जाना है। एंड गाइज, वापस हमें पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड हमें डबल एक्सपोजर पे वापस क्लिक कर लेना है एंड प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके अपने PNG को ऐड कर लेना है। गाइज, हम इस वाले PNG को ऐड करने वाले हैं, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। सिंपली हमें इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसको हमें लाइटन कर लेना है। एंड गाइज, अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। एंड गाइज, के बाद में सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है। गाइज, फिर हमें पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे टू इमेज पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, सिंपली यहाँ पे ब्राइटनेस है इसको हमें हल्का से इंक्रीज करना है एंड कंटेस्ट गाइज इसको भी हल्का सा हमें इंक्रीज करना है। एंड गाइज, इसके बाद सैचुरेशन है इसको हमें सिंपली यहाँ पे इतना कर लेना है। एंड गाइज, एम्बिएंस है इसको भी हमें हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज करना है। एंड गाइज, इसके बाद में यहाँ पे हाईलाइट है इसको भी हल्का सा हमें इंक्रीज करना है। एंड यहाँ पे डन कर लेना है। एंड गाइज, वापस हमें पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड अब की बार हमें आना है यहाँ पे पोर्ट्रेट पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं पोर्ट्रेट पे। एंड गाइज, यहाँ पे हमें स्पॉटलाइट 2 पे हमें आ जाना है। एंड गाइज, यहाँ पे फेस स्पॉटलाइट इसको हमें डाउन करना है एंड स्किन स्मूथिंग है इसको हमें फुल कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद में आई क्लैरिटी इसको भी हमें सिंपली फुल कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद में सिंपली यहाँ पे डन कर लेना है।
एंड गाइज फिर हमें वापस पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है एंड अब हमें आना है यहाँ पे डिटेल्स के ऑप्शन पे, तो हमें यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं एंड स्ट्रक्चर है इसको हमें हल्का से इंक्रीज करना है एंड गाइज इसके बाद शार्पनिंग है इसको भी हल्का सा हमें इंक्रीज करना है एंड इसके बाद हमें डन करना है। गाइज आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो काफ़ी अच्छी एडिट हो चुकी है, तो सिंपली गाइज इसको हम सेव कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। आई होप गाइज ये एडिट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, पसंद आएगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।